इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एक मोबाइल में दो टिकटॉक अकाउंट कैसे चलाते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे तरीके से बताने वाले हैं जिसमें आपको कोई भी दो टिकटॉक ऐप डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप एक ही टिकटॉक ऐप में दो टिकटॉक अकाउंट चला पाएंगे। तो एक टिकटॉक ऐप में दो अकाउंट चलाने के लिए सबसे पहले आपको टिकटॉक ऐप ओपन करना है। टिकटॉक ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने टिकटॉक वीडियो चलने लगेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक राइट कॉर्नर में एक पर्सन का आइकॉन दिखाई देगा जिसके नीचे में लिखा हुआ है, जिसको टिकटॉक का प्रोफाइल आइकॉन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने टिकटॉक के अकाउंट पे चले जाइएगा। यहाँ पर टिकटॉक प्रोफाइल पे चले जाइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से हम अपना एक टिकटॉक अकाउंट लॉगिन किए हुए हैं, यहाँ पर खोले हुए हैं। तो आपको इसी तरह से सबसे पहले आपको एक टिकटॉक अकाउंट लॉगिन कर लेना है, यहाँ पर खोल लेना है। उसके बाद ऊपर में आपको एक टिकटॉक अकाउंट खोलने के बाद ऊपर में कॉर्नर में आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर नीचे में आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास दूसरा कोई अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आप इस तीनों में से यहाँ पर और कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से क्लिक करके आपको जिससे भी अपना टिकटॉक का अकाउंट बनाना हो उससे बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले से दो टिकटॉक अकाउंट है और एक लॉगिन किए हुए हैं, दूसरे को लॉगिन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना दूसरा टिकटॉक अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप किस चीज़ से अपना टिकटॉक अकाउंट बनाए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर से अपना टिकटॉक अकाउंट बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यूज फ़ोन नंबर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद रस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर टाइप करने के लिए कहेगा, तो आपका जिस नंबर से टिकटॉक अकाउंट बना हुआ है उस नंबर को यहाँ पर टाइप करना है। तो चलिए हम अपना अपना जिस भी नंबर से हमारा टिकटॉक का अकाउंट बना हुआ है उस नंबर को यहाँ पर टाइप करते हैं। नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेंड कोड का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप जिस भी नंबर में यह दिए हुए हैं उस नंबर पर एक कोड जाएगा, उस कोड को यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए वो कोड को डाल लेते हैं। अगर वह नंबर इसमें लगा होगा तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो दूसरे मोबाइल में लगा होगा तो उस कोड को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दूसरे फ़ोन में लगाए हुए थे इसलिए हमको यहाँ पर कोड डालना पड़ा है। कोड डालने के बाद यहाँ पर कुछ देर ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर टिकटॉक ऑटोमेटिक यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और फिर से यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर टिकटॉक वीडियो चलने लगेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अब टिकटॉक वीडियो चलने लगा है। तो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए दो अकाउंट लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको एक टिकटॉक के प्रोफाइल आइकॉन पे जाना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपने टिकटॉक के प्रोफाइल पे चलते हैं। तो जाने के लिए यहाँ पर एक पर्सन का आइकॉन दिया गया है जिसके नीचे में लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा अब दूसरा टिकटॉक का अकाउंट लॉगिन हो गया है। और यहाँ पर चेक करने के लिए दोनों अकाउंट लॉगिन है कि नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऊपर में अपने टिकटॉक के नाम पे यहाँ पर एक लोअर बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा दो टिकटॉक अकाउंट ऐड हो गया है। और यहाँ पर आपको जो भी टिकटॉक अकाउंट चलाना हो यहाँ सब चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस टिकटॉक अकाउंट को चलाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक फिर से रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर दूसरा टिकटॉक अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा अब दूसरा टिकटॉक अकाउंट लॉगिन हो गया है, फिर से वीडियो चलने लगा है। तो यहाँ पर लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए यहाँ पर पर्सन का आइकॉन दिया गया है जिसके नीचे में लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा एक भी वीडियो नहीं है, उसमें एक वीडियो था। तो यहाँ पर मेरा अब दूसरा भी टिकटॉक अकाउंट यहाँ पर चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में एक साथ दो टिकटॉक अकाउंट को चला सकते हैं और आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो आप नया वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।